have a look of this cloudy weather and welcome back to the automobile vlogs. तो आज हम है टाटा सफारी स्ट्रोम के साथ. आज ही के दिन 2017 में हमने परचेस की थी टाटा सफारी स्ट्रोम 4x4 वेरिएंट टॉप एंड मॉडल दोस्तों, जिसने कर चुके हैं 3 साल कंप्लीट हमारे साथ. साथ ही साथ आपका प्यार, 3 लाख प्लस व्यूज हमारे चैनल को दिए हैं आपने, 3000 प्लस सब्सक्राइबर दिए हैं. तो आज है इस सफारी स्ट्रोम का द हैप्पी बर्थडे. कमेंट बॉक्स में जरूर बर्थडे विश कर देना, हमें भी अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ते वक्त. और दोस्तों, इसने कर चुके हैं 3 साल कंप्लीट. फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त इन 2017 हमने परचेस की थी टाटा सफारी स्ट्रोम 4x4 मॉडल. तो कैसा रहा इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, और आज है इसका बर्थडे, तो क्या क्या करेंगे हम बर्थडे के दिन, तो आपको ब्लॉग में तो पता ही चल ही जाएगा. पर बने रहे ब्लॉग के साथ, आपको अच्छा खासा एक मैं ब्लॉग दूंगा और इसमें हम 3-4 कमेंट्स का रिप्लाई भी देंगे. हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप एक क्वेश्चन आंसर भी कर लो, कि जो सब्सक्राइबर्स की कुछ क्वेरीज है वो उसमें क्लियर हो जाएगी, तो वो भी करेंगे. थोड़ा गाड़ी को देख लीजिए आप. तो दोस्तों, बात कर रहा था मैं कि आपके रिप्लाईज दूंगा मैं 2-3. और दोस्तों, अभी इसको कराएंगे हम वॉश, हवा भी चेक कराएंगे गाड़ी की, उसके बाद हम पूजा भी करेंगे ट्रेडिशनल स्टाइल में थोड़ी ही देर में. तो पहले चलते इसका वॉश कराने, गाड़ी की हवा वगैरह देख लेते हैं. वैसे आप लुक देख लीजिए, लुक में तो कोई चेंजेस आए नहीं है दोस्तों. और वैसे भी आज काफी स्ट्रोमी वेदर हो रखा है और हम हैं स्ट्रोम के साथ, तो थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स देख लीजिए आप. तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इसकी राइड लेने. और ये रही हमारे सामने रिमोट कंट्रोल की ऑफ टाटा सफारी स्ट्रोम. तो आइए फटाफट से अनलॉक करते हैं गाड़ी को और वॉश वगैरह कराते हैं, आपकी बात करते हैं आपके साथ. ओपनिंग द डोर. देखिए, मैंने जैसे कहा था आपको, काफी अच्छा स्पेसिंग मिल जाता है. आप तो बॉटल का पूरा रैक रख सकते हो ये साइड में भी, प्लस वो वाले साइड में भी. स्पेसिंग के मामले में तो टाटा सफारी स्ट्रोम को मैं दूंगा थम्स अप. जो बोलते हैं कि बाकी कंपैरेटिवली जो एसयूवी आती है उसमें स्पेसिंग नहीं मिलती, मुझे तो काफी स्पेसिंग है. कंट्रोल्स है, यहाँ पे कंट्रोल्स है, नो इश्यू. इनसाइड, तो लेट्स टर्न ऑन द व्हीकल. हैजर्ड्स लाइट्स बंद कर देता हूं, एसी वेंट्स ओपन कर लेता हूं. वहां के भी ओपन हो गए, यहाँ के भी ओपन हो गए, और ये तो आपको पता ही होगा. चलो पहले स्टार्ट कर देते हैं. तो इन्फोटेक में सारा आ गया, आपको बीच में मिल जाएगा ये. आपने सीट बेल्ट लगाया नहीं तो ट्यूं 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 करता रहेगा. तो बाकी तो वैसे हैंड ब्रेक पे लगी हुई है, बीच में आपको हैजर्ड्स लाइट्स का मिल जाता है. देखिए, हैजर्ड लाइट्स चालू हो गई है. वैसे बाकी किलोमीटर वगैरह तो ठीक है, ऑफ रोडिंग यूज करते तो करके हमारा किलोमीटर है नियर बाय 24,000 इन 3 ईयर्स. तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से तो ठीक है. वैसे भी आप मार्केट में गाड़ियां लेने जाते हो तो आपको 60,000-80,000 चली हुई मिलती है. ओपनिंग माय रियर मिरर्स. चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि वॉइस भी कितनी आती है गाड़ी स्टार्ट होते वक्त. हैंड ब्रेक निकाली गाड़ी की, तो मारते स्टार्ट. विद इन ए सेकेंड स्टार्ट. सर्विसिंग रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी को. मेंटेन रखिए अच्छा खासा, 100 रखिए. क्लच आराम से यूज करिए, ब्रेक आराम से यूज करिए, नो इश्यूज. तो आइए चलते पहले हवा भराने, फिर चलते वॉश कराने. लेट्स गो. सो गाइज, हमने करा ली हवा चेक. तो हवा आपको गाड़ी में 35-40 तक रखनी चाहिए. अगर आपकी गाड़ी स्टैंड बाय पे है तो आप 40 रख सकते हो, मोस्टली आप रख सकते हो 35-40. ये थी एक टिप, वैसे तो पता रहेगा आपको. तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ टाटा सफारी स्ट्रोम पिछले 3 सालों से. अच्छी खासी माइलेज दे देती है, अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा मेंटेनेंस कॉस्ट दे देती है, अगर आप गाड़ी ड्राइव करोगे केयरफुली अच्छे से. ऐसे रोड्स पे आप जरूर हॉर्न दीजिए और अलर्ट करिए सामने वाले को कि समवन इज कमिंग फ्रॉम योर बिहाइंड. तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन था
पहले हम कनेक्ट हो जाते रस्ते से, देखते ही देखते काफी अच्छा खासा ट्रैफिक हो चुका है। हम लोग वीडियो बना रहे हैं पुणे सिटी से फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये आ गए हम मेन रोड पे गाइस। तो जैसे मुझे एवरेज मिलता है 14, 15, 16 डिपेंडिंग अपॉन माय ड्राइविंग स्किल्स। मोस्टली मैं चलाता हूँ गाड़ी 1500 से लेके 2000-2500 आरपीएम पे, जहां आपको मिलता है अच्छा खासा माइलेज। और हाल ही में हमने डाला है ये नए वाइपर्स, अच्छा स्प्रे मिल जाता है। और स्पीड भी देख लीजिए आप, ये देखिए काफी स्पीड में चल रहे हैं नॉर्मल। तो वाइपर्स हमको मिले नियर बाय 450 रुपीज। एक एसयूवी के वाइपर्स आपको मिल जाते हैं 450 रुपीज में। हालांकि अगर शोरूम में जा रहे हो तो आपको यही वाइपर्स मिलेंगे 700-800 हजार रुपए। थोड़ा सा कॉस्टिंग लगा देते शोरूम वाले, कोई कंप्लेंट नहीं है। पर अगर आप आफ्टर मार्केट डिसाइड करोगे बिठाना तो कभी भी अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा प्राइस कटिंग हो जाता है और आपकी पहचान रहेगी तो अच्छी प्राइस भी मिल जाती है। तो चलते हैं हम ओवर ब्रिज पे। दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उससे पहले स्पीड ब्रेकर पे आप गाड़ी जीरो में आ रही तो पहले गियर पे या दूसरे गियर पे गाड़ी कर दीजिए, यह भी आपकी गाड़ी के लिए एक अच्छा टिप रहेगा। ये हमारा ओवर ब्रिज। और दोस्तों पहली कमेंट में शेयर करूंगा या पहली कमेंट डिस्कस करूंगा कि गाड़ी रोज चालू करना जरूरी है क्या? रोज चालू अगर आप डेली यूज में कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर ड्यू टू लॉकडाउन जो चल रहा था हमारा कुछ पिछले 3-4 महीनों से, उसके टाइम तो आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार, मतलब 3 दिन में 1 बार गाड़ी आपको स्टार्ट करना मस्ट है, या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में, क्योंकि गाड़ी की बैटरी ड्रेन नहीं होती या बैटरी इशू नहीं होता या फिर टायर को प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप 3 से 4 दिन में अगर गाड़ी स्टार्ट करते हो तो। तो ये हो गई क्वेरी क्लियर जिसने भी पूछा था ये मुझसे सवाल। तो दूसरे सवाल के बढ़ने से पहले थोड़ा सा करते हैं गाड़ी को रेस। अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए एसयूवी से तो आप चलाइए 1500 से लेके 2000 आरपीएम तक। और अगर आपको भगानी है तो भाई 180-200 गाड़ी आराम से टच हो जाती है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माइलेज भी मिलता है आपको 9, 10, 8, कोई बात नहीं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो है आगे आपको दिख रहा है बोनेट, बोनेट पे वो जो हुड डिफ्लेक्टर और हुड स्कूप मैंने लगाया है, एक नोज शेप में आपको हुड स्कूप दिख रहा होगा और एक आगे ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा हुड डिफ्लेक्टर। जो हुड डिफ्लेक्टर की और हुड स्कोप की दोनों की मिला की प्राइस हो जाती है 9 से 10 हजार रुपए। हाँ, 9 से 10 हजार रुपए। क्यों? क्योंकि फिटिंग चार्जेस, पेंटिंग चार्जेस और जो उसके चार्जेस है वो चार्जेस मिला के उतनी ही प्राइसिंग बनती है दोस्तों इस सारे चीजों की। तो यहां से हमको लेना है यू टर्न क्योंकि रस्तों के काम चल रहे पुणे सिटी में। तो हाँ, बात कर रहे थे हम हुड स्कूप और हुड डिफ्लेक्टर की प्राइस। तो ये पड़ती है आपको 9-10 हजार की, फिटिंग चार्जेस वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करा के। आप जाके ले सकते हो आपके नियर बाय शोरूम में या फिर सर्विस सेंटर के टाटा के अथोराइज में, तो वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएगी दोस्तों। वैसे तो इसका लगाने का एक मोटिव यही था कि इससे मिलता है एक एग्रेसिव लुक, इससे मिलती गाड़ी को एक नई इमेज और थोड़ा सा एक इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ जाता है मार्केट में। और अभी मैं चला रहा हूँ नियर बाय 50-60 किलोमीटर सिटी के अंदर 3rd या 4th गियर में। जैसे अभी एक छोटा सा बम्प आया तो गाड़ी कर दीजिए 2nd गियर में, आराम से निकल जाती है गाड़ी, कोई ज्यादा लोड नहीं आता गाड़ी पे, जिससे आपका इंजन अच्छा खासा रह जाता है। थोड़ा सा रेस दीजिए, 2000 आरपीएम तक चाहिए, गियर चेंज कीजिए जिससे आपकी इंजन लाइफ भी अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट लेफ्ट पे हमारा वॉशिंग सेंटर आ चुका है, लेफ्ट टर्न जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया हमने जिससे पीछे का बंदा अलर्ट हो जाता है। ये है कुछ दोस्तों, हमने वहां से गाड़ी निकाल ली, काफी भीड़ थी वहां पे। ये देखिए काफी नॉटी स्टाइल में। और चलो हमें मिल गया है अच्छा खासा फ्री, क्योंकि
कोई भी गाड़ी नहीं है, बस एक गाड़ी छोड़ के दिखाते आपको वॉशिंग सेंटर का पूरा एक व्यू, बने रहे हमारे साथ। सो दोस्तों कुछ इस तरह रैंप पे चढ़ती है गाड़ी। तो ये देख सकते हो आप, रबड़ मैट निकाल दिए नीचे, पहले होगी पूरी वैक्यूम, गाड़ी ओपन है, रैंप देख सकते हो आप, ये रहा रैंप दोस्तों। थोड़ा आवाज कम ज्यादा आएगा मेरा क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम की आवाज ज्यादा रहती है। इसके रेट्स तो 70 रुपीज से बाइक वॉश है यहाँ पे, डीजल कार वॉश में आपको डीजल कार वॉश मिलता है 500 तक, हाइड्रोलिक कार वॉश छोटे गाड़ियों के लिए 300, एसयूवी के लिए 350, बाकी तो आप देख रहे हो रेट्स, काफी अच्छा खासा रेट मिल जाता है यहाँ पे। और अभी रैंप पे चढ़ रही है गाड़ी, देख सकते हो आप, काफी धीरे 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 गाड़ी उठ रही है। तो रैंप पे गाड़ी चढ़ते वक्त ऐसा अलग सा फील आता है, गाड़ी आसमान में पहुंच जाती है। नियर बाय दोस्तों 6 फीट या 4 फीट के तो अबो हो गई है गाड़ी, अभी होगी इसकी धुलाई शुरू। धुलाई करो, मिट्टी निकालो, जो भी निकालना है निकाल लो, बस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मत निकालो, रही जोक की बात बाद में। वैसे बारिश भी हो रही है और वॉश भी करा रहे हैं, मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है दोस्तों, तो काफी अच्छा खासा प्रेशर मिल जाता है। और आपको मैं थोड़ा और दिखाऊं, बस गाइस कुछ ही मिनटों में हमारी गाड़ी की वॉश कंप्लीट हो जाएगी, फॉर्म वगैरह हो गया है, आपने टाइम लैप्स देख लिए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बारिश चल रही है, बारिश में हम करा रहे हैं कार वॉश, इट इज अमेजिंग। और थैंक्स टू द ऑल हेल्पर्स जो कि हमारी गाड़ी साफ करने में मदद कर रहे हैं या गाड़ी साफ कर रहे हैं। और काफी अच्छा खासा रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है, जुलाई का महीना है, एंडिंग हो गया है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी का है आज बर्थडे, इसलिए कार वॉश था इसका कंपलसरी। वैसे भी हम कार वॉश कराते रहते हैं, बस लॉकडाउन में हमने कहीं कराया नहीं था, तो अभी वॉश कंप्लीट होने का हम लोग डायरेक्टली जाएंगे गाड़ी पार्क करने, वहां पे करेंगे पूजा, बने रहे वीडियो के साथ। कैसे लगे आपको आज के सिनेमैटिक शॉट्स? और ये था आज का पूरा दिन भर का ब्लॉग जो था हमारा 3 साल कंप्लीट होने पे सफारी स्ट्रोम के साथ। तो आज हमने कंप्लीट किया है 3 इयर्स 2017 से लेके, तो हमने किया एक शॉर्ट सा बर्थडे सेलिब्रेट, अभी शाम को हमने की पूजा गाड़ी की और आपको दिखाया इसका वॉशिंग, और उसके बाद आपको बताया कि 3 साल में एक्सपीरियंस कैसा रहा गाड़ी के साथ हमारा, और कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया हमने। और आने वाले ब्लॉग में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कमेंट रखेंगे, जो भी कमेंट्स रहेगी उसमें मैं और कमेंट्स क्लियर करूंगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग सफारी की जर्नी, और कोई और रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए रहेंगे कमेंट मुझे करते रहो, मैं एक एक कमेंट पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा लॉकडाउन हटते ही। और चैनल को सपोर्ट करते रहो, हैव ए नाइस डे, और करते साइनिंग ऑफ विथ सफारी स्ट्रोम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सफारी स्ट्रोम को वायरल करें।